searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day. जो oil leakage की problem पूछ रहे थे मेरे दोस्त कुछ. जो ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हो चुकी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे हैं यमुनोत्री धाम है. यहाँ से 200 किलोमीटर गंगोत्री धाम है, 281 किलोमीटर, और केदारनाथ धाम है यहाँ से 295 किलोमीटर. तो यहाँ पे ना एक बहुत ही गजब का पॉइंट दिखा मुझे, राफ्टिंग पॉइंट यहाँ पे, और ये मैरीन ड्राइव के नाम से मशहूर किया हुआ है इन्होंने. ये देख पा रहे हैं आप मेरी हाइड्रा बॉटल है ना, तगड़ा जुगाड़. हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, व्हाट्सअप, इट्स मी शीतल राणा एंड वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग. दिस इज नॉट ए ब्लॉग, दिस इज कंप्लीट जर्नी टुवर्ड्स केदारनाथ धाम. तो एक्चुअली मैं निकल रहा था केदारनाथ धाम के लिए. कंप्लीट केदारनाथ राइड होने वाली है जो कि मैं करने वाला हूँ बिल्कुल सोलो. तो फुल कैंपिंग करूँगा और अच्छी अच्छी लोकेशन को एक्सप्लोर करूँगा ताकि आप सब भी उन चीज़ों का लुत्फ उठा सके जिनको मैं एक्सप्लोर करूँगा. तो मेरी यही कोशिश रहेगी आप सबको मैं अच्छे से दिखा सकूँ उन चीज़ों को. तो अभी मैं यहाँ अपने घर हिमाचल प्रदेश से निकल रहा था उत्तराखंड केदारनाथ धाम के लिए, और अभी सुबह के हुए हैं 6:30, और सामान वगैरह ना ऐसा कुछ बिखरा पड़ा अभी मेरा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और ये बैग पूरा मैट्रेस के साथ रेडी है. तो ज़्यादा ना बातें करते हुए अभी बस लीव करूँगा क्योंकि सुबह के 6:30 हो चुके हैं, और बाकी आगे की जर्नी का हाल आपको मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि हम सारे मिल के ना एक्सप्लोर करेंगे केदारनाथ बाबा जी के धाम को, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स को मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा. तो अप्रिशिएट करना यार मेरी इस जर्नी को. तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को यहीं से फटाफट से. जय ओम नमः शिवाय. बस अभी जस्ट मैं फटाफट से ज़्यादा बातें ना करते हुए ऊपर चलते हैं और सामान वगैरह लगेज वगैरह टाइट करता हूँ. करेंगे बहुत सारी बातें मोटर ब्लॉगिंग मोड में. तो फाइनली दोस्तों सिनोरा रेडी है. एक्चुअली लगेज टाइट टूट करने में ना अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 घंटा यहीं चला गया, तो वो रहता है. और अभी भोले बाबा जी के नाम लेके करते हैं शुरुआत. जय भोलेनाथ. वाह, मॉर्निंग का व्यू ना एकदम सही वाला है, और वो अभी वेदर बिल्कुल सही है. तो आई होप थोड़ा थोड़ा बादल बने रहे ना, वही बढ़िया रहेगा, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना आजकल कि क्या कहने धूप के. तो और ये देखो आप, शिमला है 52 किलोमीटर. तो अभी निकल रहा हूँ मैं हिमाचल प्रदेश सोलन से केदारनाथ धाम की तरफ सोलो केदारनाथ राइड पे निकल चुका हूँ अभी मैं. जैसे आपने देखा मैंने लगेज वगैरह सारा अपना सामान वगैरह पैक करके ना अब बढ़ रहा हूँ आगे केदारनाथ धाम की तरफ. आज का सफ़र जो है काफ़ी लंबा रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेट 350 से 400 किलोमीटर की ये राइड रहने वाली है पहाड़ों से होती हुई. तो पहाड़ों में ना इतनी लंबी राइड करना तो आप समझ ही सकते हैं, बट मज़ा जो है ना एक राइड का वो नेक्स्ट लेवल का है, अपने ही लेवल का है. और ये देखो हिमाचल की वादियाँ, और सुबह के 7:30 हो चुके हैं. तो जस्ट अभी लीव कर रहा हूँ मैं हिमाचल प्रदेश सोलन से केदारनाथ धाम की तरफ, क्योंकि समर में जो रहता है ना, समर में आपके 3 डेस्टिनेशन जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है, पहला आप हिमाचल ले लो, दूसरा उत्तराखंड, और तीसरा ले लद्दाख. तो ये 3 डेस्टिनेशन जो रहते हैं ना पॉपुलर विजिटिंग डेस्टिनेशन है समर के, तो उन्हीं में से एक उत्तराखंड के सफ़र पर निकल चुका हूँ अभी मैं. भाई फ्लाई ओवर रहे तो नक्शा ही बदल दिया बाबा. देहरादून 173 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के अराउंड तो देहरादून है. अरे भाई साहब यहाँ से
तो ये स्टेशन जो है ये कुम्हार हट्टी है, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश में। तो यहीं से मैं अपना सफर शुरू कर रहा हूँ। आई थिंक देहरादून से 250 किलोमीटर के अराउंड है सोनप्रयाग, जो आइडिया है, क्योंकि गूगल मैप जो मैंने चेक किया है तो अप्रोक्सीमेट ये राइड मेरी 400 या 450 किलोमीटर की रहने वाली है। तो अभी वेदर सुबह का तो बिल्कुल सही है, हल्की हल्की सी जो ठंडी ठंडी सी एक फीलिंग है ना, और बादल भी हैं, वेदर ऊपर आप देख ही पा रहे हैं। तो इस सफ़र में जो मैंने सोचा है, जो सोलो राइड मैं कर रहा हूँ ये अपने केदारनाथ धाम की, तो सोलो कैंपिंग भी बहुत सी जगहों पे करूँगा जो सोचा है मैंने, क्योंकि कैंपिंग का सारा सामान अपने साथ लेके जा रहा हूँ। बट किस तरह से वेदर रहता है, क्या कंडीशन रहती है, ये तो तभी के तभी पता लगेगा। बट सोचा तो है, प्लान भी है, और आई होप आप सब भी पूरा साथ देंगे मेरा। तो फटाफट से बढ़ते हैं ना अभी, क्योंकि सफ़र अपना अच्छा खासा लंबा है। तो आप इंजॉय करते रहो इन सुंदर सुंदर व्यूज़ को, क्योंकि सफ़र जो है ना अपना अच्छा खासा लंबा है आज का। यही आशा करूंगा कि आप सब भी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो एक बार ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में आप भोले बाबा जी का नाम लिख देना। जय भोलेनाथ। तो अप्रोक्सीमेट राइड करते मुझे 20 किलोमीटर हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे भाई साहब कि क्या बता रहे हैं आप, 20 किलोमीटर चल लो अभी थोड़ा और। नहीं नहीं, एक्चुअल में मैं इसका ट्रिप मीटर ज़ीरो करना भूल गया था, तो यहीं खड़ के ना कहीं ट्रिप मीटर ज़ीरो कर लेता हूँ पहले इसका, क्योंकि एक्चुअल में ना बाद में आइडिया लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रिप मीटर के बिना। तो यहाँ पे 2160 पे अप्रोक्सीमेट शुरू किया था मैंने। तो ये अपना है ट्रिप टू, इसको कर देते हैं ज़ीरो। ट्रिप टू कर दिया है ज़ीरो, यहाँ पे देख रहे हैं 2180, तो यहीं से ले लेंगे, कोई बात नहीं। 20 किलोमीटर ही चले अभी हम, तो कितनी एवरेज और माइले तो कितना फ्यूल डलता है ना उसका एक आइडिया सा हो जाता है, और कितनी माइलेज मिल रही है उसका भी थोड़ा एक आइडिया सा हो जाता है ट्रिप मीटर से। और एक्चुअली में ना वेदर आज सुबह सही सही है, बहुत अच्छा है, ज़्यादा धूप भी नहीं खिली है, थोड़े थोड़े बादल हैं ऊपर, और अच्छा है। होप फॉर द बेस्ट ऐसा ही रहे, क्योंकि नहीं तो जल जाएंगे। अरे भाई साहब ये देखो ऊपर वेदर का मिजाज चेंज हो गया है, तो बारिश वाला हो गया। सुबह तो हल्की हल्की धूप थी, बट अभी एक दो घंटे में ना एकदम से वेदर चेंज हो गया है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे, बाबा निकलना पड़ेगा। एक्चुअली राइड के लिए ठीक है, बट बारिश लगी फिर पंगा पड़ेगा। भाई साहब वेदर का ना मिजाज एकदम से बदल गया। एक्चुअली मैं थोड़ा उधर देख पा रहे हैं आप, ओए हो एकदम ब्लैक आउट हो गया उस साइड से, तो एकदम ब्लैक आउट। देखो आप रेणुका जी नाहन 10 किलोमीटर दुदाऊ, तो ये वाला ऊपर वाला रोड जो चल गया ना, ये वाला रोड ऊपर वाला, ये वाला रोड गया है रेणुका जी को, और ये ऊपर से हो गया, ये सारा ऊपर को रेणुका झील जो है, रेणुका लेक, वहाँ को माता रेणुका जी का वहाँ टेंपल है, परशुराम जी की माता रेणुका जी का मंदिर है वहाँ पे। फाइनली अपन अभी इंटर कर चुका है नाहन, यह है नाहन सिटी, ये है नाहन की मार्केट और गुरुद्वारा, यहीं से लिंक कटेगा ना। दाम लगा रहे भाई यहाँ पे, ये देखो भाई साहब ये ना, ये टर्न देखो आप भाई साहब, सिरमौर
ये सारा का सारा जो एरिया है ना, नाहन पोंटा साहिब, ये सारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बॉर्डर एरिया है ना एक्चुअल में, तो इसके बाद ये हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर है जो पोंटा साहिब है। नाहन क्रॉस करते ही ना हल्की हल्की बूंदा बांदी, पता नहीं आप देख पा रहे होंगे बट हल्की हल्की बूंदा बांदी शुरू हो गई है। तो बात कर रहा था मैं कि एकदम कड़ाके की धूप रहेगी दिन में, बट इंद्र देवता जी मेहरबान हो गए हमारे ऊपर। जय इंद्र देव की जय हो। तो अभी मिल चुका हूँ मैं ये वाला जो रोड है ना, ये चंडीगढ़ जो देहरादून हाईवे है, चंडीगढ़ से जो देहरादून आता है वो वाले हाईवे पे मिल चुका हूँ मैं। नाहन से जस्ट नीचे आके मिलता है, यहाँ सामने आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ रुका था अभी मैं। यहाँ से है पोंटा साहिब 7 किलोमीटर और ये देहरादून हरिद्वार वाला रोड यही है। तो यहाँ से ना एक्चुअली मार्केट है। तो मैं पेयर कर रहा था अपने हीरो एक्सपल्स 4V का ब्लूटूथ सिनोरा कनेक्ट कर दे, और अपन को जाना अभी देहरादून। देहरादून से अपन ने हरिद्वार नहीं, अपन ने ऋषिकेश वाला जो रूट है ना वो लेना है। तो अभी बढ़ते हैं फिलहाल से पोंटा साहिब जो कि है 4 किलोमीटर। तो गूगल मैप भी मैंने लगा लिया, एक्चुअली मार्केट क्रॉस करूँगा ना मैं यहाँ से। यह अपना ऑन करके रखनी पड़ेगी ऐसे, तब चलेगा। अब देखते हैं। ओहो हो हो, अंकल जी ने उधर बच गए एक्सीडेंट होने से। हंस रहे थे अंकल जी। और भाई साहब वंडर देखो आप आगे, धूप भी यहाँ पे हल्की हल्की लग पड़ी है, बट उस साइड देखो आप बवंडर, देहरादून वाली साइड। ओरे बाबा, तो लो भोले बाबा जी का नाम और करो आगे प्रस्थान। महाराजा अग्रसेन द्वार, तो आई थिंक ये जो था ये बॉर्डर एरिया है उत्तराखंड और हिमाचल का। ये बड़ा सा द्वार हिमाचल में आगमन के लिए लिखा था उन्होंने एक्चुअली, के लिए धन्यवाद। और वहाँ से आई थिंक हम इंटर कर जाएंगे उत्तराखंड में। हमने इंटर कर लिया फाइनली उत्तराखंड में, हिमाचल को छोड़ दिया पीछे। बिल्कुल सेम सेम देखो आप, जैसे हिमाचल है ना वैसे ही सेम फीलिंग बिल्कुल एक, क्योंकि अभी तो जस्ट हम बॉर्डर ही क्रॉस कर रहे हैं और धूप लग पड़ी है अब, और बढ़ते हैं ना तब आगे फिर। ये भाई साहब PB09 वाले बहुत देर से मेरे साथ चल रहे थे, मैं हाय कर देता हूँ इनको। और भाई साहब रोड तो एकदम मक्खन है ये वाला, तो सही है रे बाबा। चलो फिर आप भी इंजॉय करो इन व्यूज़ को और मैं बढ़ता हूँ ना आगे। सफ़र अपन का अभी काफ़ी लंबा है, ऋषिकेश 92 किलोमीटर है यहाँ से। सामने आप देख पा रहे हैं ऋषिकेश है 79 किलोमीटर यहाँ से। और भाई साहब यहाँ पे ना अच्छी खासी बारिश हुई अभी, ये बोर्ड वगैरह देख रहे हैं आप सारे टूटे पड़े हैं, और ये देखो रोड पे सारे पानी पानी है, मतलब ठीक बारिश हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे रुका था मैं GoPro की अपने बैटरी चेंज करने, तो वेदर ने काफ़ी अच्छा साथ दिया, धूप नहीं है और इस साइड तो काफ़ी बारिश भी आप रोड पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पूरा रोड गीला पड़ा है और ये खड़ी है अपनी सिनोरा। तो अभी हल्की हल्की बीच में बारिश लगी थी बट ज़्यादा तेज बारिश नहीं हुई, बट इस साइड काफ़ी बारिश हुई है। तो जो मौसम बना रहा ना आज काफ़ी अच्छा, तो कंडीशन जो मतलब धूप इतनी तेज़ नहीं रही, तो थैंक गॉड सबसे पहले। तो यहाँ से ऋषिकेश बचा है 25 किलोमीटर, वहीं से असली सफ़र शुरू होगा आगे सोनप्रयाग का। वहाँ से आई थिंक 4 से 5 घंटे और लगेंगे, तो दोपहर के बज चुके हैं 1, तो फटाफट से निकलता हूँ अभी। तो यहाँ पे बैटरी चेंज करने के लिए खड़ा था, तो सोचा आपसे तो दो बातें कर ली जाएँ। और ये देखो क्या सही गजब का हो रखा है वेदर यहाँ पे। और ये अपनी बाइक फुली लोडेड,
और जो ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम पूछ रहे थे मेरे दोस्त कुछ, तो फाइनली मेरी लगभग ऑयल लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो चुकी है। जो ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा शोर है यहाँ पे। तो अभी चलता हूँ यहाँ से और मिलते हैं आगे, चल के कुछ खाऊँगा भी, तो एक ब्रेक भी लूँगा, फटाफट से चलते हैं आगे। तो और यहाँ से ऋषिकेश बचा है 25, भाई साहब। बट एक्चुअली एक बात नोट करी मैंने, उत्तराखंड का ना ये जो सिस्टम है ना भाई साहब, ट्रैफिक से ना कोई लाइट ना कुछ, हर कहीं बंदा हर कोई, और ना ही सबसे बड़ी बात है पुलिस वाले दिखे मेरे को, बहुत 2-3 पुलिस वाले दिखे पीछे चौक पे। और ये देखो भाई साहब, यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा है बिना हेलमेट के, ये नहीं बहुत सारे, वो देखो आगे। भाई यार ऐसा नहीं करना चाहिए ना बिल्कुल भी। ये देखो ये 3-3 हैं बट बिना हेलमेट है, कोई हेलमेट नहीं ऊपर है भाई साहब, आ रहे बिना हेलमेट, हद है यार किस चीज़ की। उत्तराखंड वालों सुधर जाओ। तो केदारनाथ धाम है यहाँ से 295 किलोमीटर, और सेम अप्रॉक्सीमेट मान के चलो ऋषिकेश जो है ना वो गेटवे है सारे धामों का। तो सबसे पहले आपको ऋषिकेश होकर ही गुजरना पड़ता है अगर आप इंटर करते हो, आते हो दिल्ली से या इंडिया के किसी भी अदर, मतलब आप आते हो दिल्ली से या फिर आते हो आप एमपी से या फिर आते हो मुंबई से, तो आपके लिए गेटवे रहेगा ऋषिकेश। तो चारों धामों का जो गेटवे है वो है ऋषिकेश, और ऋषिकेश से सारे धामों का डिस्टेंस जो है 200 से 300 किलोमीटर के भी अराउंड है चारों धामों का, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम। तो अपना ये सफ़र जो बढ़ता हुआ आगे केदारनाथ धाम के तरफ, और उन केदारनाथ का यहाँ से डिस्टेंस था 295 अगर, और 295 मतलब काफ़ी है यार, 300 किलोमीटर के अराउंड है। तो देखते हैं कितने टाइम में मैं कवर कर पाऊँगा उसको। ये आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा जो है ना ये ऋषिकेश है, और सेम ये बट बड़े बड़े पेड़ ना जैसे जटाएँ नहीं होती हैं, जैसे बालों की बड़ी बड़ी जुटाएँ होती हैं ना, वैसे एक फीलिंग आ रही है थोड़ा। ऋषिकेश नाम से भी थोड़ा ऐसा नाम भी है ना, ऋषिकेश मतलब जो ऋषिकेश मतलब जो ऋषि मुनि थे उनके केश बालों का, उस चीज़ को फील करो, मतलब द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ नेचर। योग नगरी ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक अभिवादन करती है। ये जो पॉइंट है ना यहाँ से ये वाला गंगोत्री के लिए चला गया, और यहाँ पे रश देखो आप, पूरी इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे, और ये राफ्टिंग पॉइंट है ऋषिकेश का। नमस्कार सर, केदारनाथ के लिए सर? केदार हाँ नहीं केदारनाथ सोनप्रयाग, हाँ जी ये वाला रोड। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो काफ़ी अच्छी एक्चुअली यहाँ पे लिख रखा था बद्रीनाथ, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा श्रीनगर, ओके 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 ओके, सही है सही है सही है, श्रीनगर मतलब बद्रीनाथ। यहाँ से जो लेफ्ट है वो चला गया है गंगोत्री के लिए, और बद्रीनाथ धाम के लिए गया है ये रास्ता। अब 28 किलोमीटर मुझे इसी रोड पे जाना है, मतलब यही है जो बद्रीनाथ जोशी मठ वाला रोड है वो आपको लेना है जब यहाँ ऋषिकेश से आगे आओगे ना आप। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे, थोड़ी ये अपडेट थी सोचा शेयर कर दूँ मैं आपके साथ, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे ना एक्चुअली में केदारनाथ का बोर्ड नहीं लग रखा है, यहाँ पे बद्रीनाथ का ही बोर्ड लग रखा है, श्रीनगर फिर बद्रीनाथ तो जोशी मठ वाला, तो ये वही रूट है। अच्छा ये है मेन रोड जो बंद कर रखा है ऋषिकेश वाला, और ऊपर से बाईपास किया है सारा ट्रैफिक, तो
अभी मैं सोचूं यार इतना. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doused, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. तो यहाँ पे ना एक बहुत ही गजब का पॉइंट दिखा मुझे, राफ्टिंग पॉइंट यहाँ पे. और ये मैरीन ड्राइव के नाम से मशहूर किया हुआ है इन्होंने, मैरीन ड्राइव मुंबई में जैसे है ना मैरीन ड्राइव, वैसा ही सेम ये. आप देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे राफ्टिंग होती है, रिवर राफ्टिंग. वो है बोट्स उधर, उधर पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, उस साइड को है बोट. तो आती बार देखेंगे, लगा टाइम तो राफ्टिंग भी करेंगे, फुल मज़े लेंगे. और ये ब्रिज तो याद रहेगा, काफ़ी बड़ा लोहे का ब्रिज है. तो अभी चलता हूँ फटाफट से, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती रहेगी ना ऊपर सोनप्रयाग में भी रश बढ़ता चलेगा, तो अभी निकलना ही बेटर है. तो बहुत सही सी लोकेशन थी, यहाँ पर राफ्टिंग पॉइंट था, तो सोचा खड़ के देख लूँ. बट अभी जो भैया मिले ना यहाँ पर फन रिवर राफ्टिंग, जिन्होंने कहा कि हम खुद करवाते हैं राफ्टिंग. तो एक्चुअली मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, तो चार्जिंग पे लगाया मैंने उसको, और फ्यूल भी आगे फिल करवाना पड़ेगा. और टाइम हो चुका है 3:15, तो निकलने में ही भलाई है. जय शिव शंभू. और ना एकदम करवी है, करवी करवी, तो फटाफट से बढ़ते हैं ना आगे, और फिर आगे कहीं अच्छी सी जगह देख के रुकूंगा. ये देख पा रहे हैं आप मेरी हाइड्रा बॉटल है ना, तगड़ा जुगाड़. अपने आप हाइड्रा बैग बाय करते हो ना, 1500 रुपये का आता है. और ये देखो अपना जुगाड़ जो कि काम कर रहा है तगड़े वाला, अपना हाइड्रा बॉटल. इसको यहाँ डालो, इसको कर दो कवर को बंद, और जो स्ट्रैप को यहाँ से होते हुए ऐसे, और ये मुंह के अंदर है ना तगड़ा जुगाड़. और यहाँ पे ऑयल लीकेज भी चेक कर लेता हूँ. फिलहाल तो सही है, चलो फिर चलते हैं. थोड़ा सुस्ता लिया, अभी भी यहाँ से अप्रोक्सीमेट 120 किलोमीटर के अराउंड है सोनप्रयाग. वादियाँ देखो यहाँ की, वाह जी वाह. भाई साहब देखो यहाँ पे ना ये लैंडस्लाइड हुई पड़ी है, और कितने बड़े बड़े पत्थर आए पड़े हैं यहाँ से भाई. तो रोड के साइड ना इस साइड को खड़े होना, मतलब आप उस साइड को खड़े हो. आपने देखा मैं जब पानी है, जब हाइड्रा बॉटल दिखा रहा था, मैं रोड के इस साइड नहीं खड़ा था, मैं रोड के उस साइड खड़ा था. ये वाला जो पैच है ना, ये यहाँ पे आई थिंक काम वगैरह चला है. ये वाला जो पैच है ना फुली ऑफ रोड है, नहीं तो फंसे के फंसे रह जाएंगे. और रोड तो देख ही रहे हैं आप, आगे पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, ऊपर से रोड अभी भी ना अपनी टेस्टिंग करना छोड़ नहीं रहा है, पूरी परीक्षा चल रही है. ये जो मार्केट है ना सामने दिख रही है आपको, ये है रुद्रप्रयाग की, और यहाँ पे बोर्ड है. ये ऊपर से होके रास्ता भी आगे मिल जाता है, इसी रोड से आगे मिलता है, ये बाईपास है. यहाँ पे बोर्ड लग रखा है श्री केदारनाथ धाम के लिए बाईपास है रुद्रप्रयाग से. एक्चुअली में ये जो रुद्रप्रयाग के बाद यहाँ पे गाड़ियाँ देख रहे हैं ना आप खड़ी हुई, यहाँ भी चेकिंग हो रही है सब व्हीकल्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा नहीं तो आगे जाके. तो उसी की वजह से यहाँ पूरी
एक जो है ना टीम है यहाँ पे पूरी, क्योंकि मैं कैमरा उस टाइम ऑन नहीं कर पाया ना, तो वो चीज़ मैं दिखा नहीं पाया, बट ये गाड़ियाँ उसी के लिए खड़ी की हैं। तो ये बसेस तो निकल गई, बट वहाँ पे जो प्राइवेट गाड़ियाँ थी ना या टैक्सीज थी वो रोक ली गई हैं सारी, और चेक कर रहे हैं पुलिस वाले उनको। कौन सा गांव है? घुमनी गांव। घुमनी गांव? रूम सस्ता दोगे कि नहीं दोगे? पक्का दोगे? सच में कैमरे के सामने बोल रहे हो तुम? कोई बात नहीं। ये आपका बसें देख रहे हैं सारे केदारनाथ के लिए हैं। ये सारे केदारनाथ जा रहे हैं ना, और सोनप्रयाग में जाके रश पा देंगे एंड दबा के, है ना पूरा। कर रहे भैया कर दे यार, मैं यार बहुत दूर से आ रहा हूँ, मैं 400 किलोमीटर चला गया हूँ आज। ना ना आप चलो बैठ लग। गूगल पे वे कर लेते हैं ना भैया। अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं रूम पे था तो मैं सोनप्रयाग से पीछे ही रुक गया था 50 किलोमीटर यहाँ पे ना, और मेरे रुकने का डिसीजन एक नंबर रहा। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। बाहर बारिश भी लग पड़ी है साथ में, तो मैं रुका था यहाँ पे गांव करके। भैया से एक बार नाम कंफर्म कर लूँगा दोबारा से। तो आज मैंने 350 किलोमीटर अपनी हीरो एक्सपल्स 4V को दबा के चलाया, और सुबह निकला था जैसे मैं 8 बजे के आसपास, और अभी सोनप्रयाग से 50 किलोमीटर पीछे है ये गाँव, लगभग अप्रॉक्सीमेट 50 किलोमीटर। तो मतलब सुबह मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ से निकलना पड़ेगा, और ये मेरा रूम है कुछ ऐसा, ठीक है काम से लाऊ। और जिसके चार्जेस भैया ने मुझसे करे हैं 700 रुपये, और डिनर इंक्लूड नहीं। तो आप भी प्रे करना, होप फॉर द बेस्ट की बारिश सुबह तक रुक जाए, आप सबको भी अच्छे से दर्शन करा सकूं केदारनाथ बाबा के, और खुद भी अच्छे से दर्शन कर सकूं। आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी आशा के साथ इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। नाउ द शीतल राणा साइनिंग आउट, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर योर हेलमेट ड्यूरिंग योर राइड बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ बाय बाय। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think